विद्युत विभाग कंपनी ने लगाया समस्या निराकरण शिविर, लेकिन नहीं हो पाया तत्काल समस्याओं का हल। कांग्रेस नेता और भाजपा नेता ने लगाए एक दूसरे पर आरोप और कहा कि विभाग ने लापरवाही, जनता खामियाजा भुगत रही है। आपको बता दें कि विगत दिनों पहले इस माह के अंदर बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3000 से अधिक लोगों को एवरेज बिल थमाए गए थे, जो 500 यूनिट के थे, जिसका लगभग बिल 4000 से 4800 रुपए राशि थी, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूटा और बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अधिकारी टालमटोल कर रहे थे। इसके बाद जनता रोष में आई और भाजपा नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। इस बात की भनक एमडी मनीष सिंह को लगी। डी रामपाल सिंह को तत्काल भेज समस्या निवारण शिविर कराने के आदेश दिए। आवेदन तो लिए गए शिविर में, लेकिन लोगों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिलाएं बच्चे बिल सुधरवाने में पहुंचे और इधर उधर भटकते रहे। वहीं शिविर में पहुंचकर हमारे संवाददाता अब्दुल अलीम ने कांग्रेस नेता सैयद अकबर अली एवं भाजपा जनपद अध्यक्ष जितेन बघेल से बातचीत की। पेश है बातचीत की एक झलक। हम मौजूद हैं विद्युत विभाग कंपनी के कार्यालय के बाहर। यहाँ पर आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं, यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि विगत इस महीने पहले एवरेज खपत बिल दिए गए थे, जिससे के बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों का गुस्सा फूटा। अब यहाँ पर आनन फानन में एक शिविर लगाया गया है। यहाँ पर कांग्रेस नेता भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे ये पूरा माजरा है क्या। क्या नाम है सर? मेरा नाम सैयद अकबर अली है, अल्पसंख्यक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। अकबर भाई, ये क्या माजरा है? ये माजरा है कि ये जानबूझकर जो है सरकार को बदनाम करने के लिए ये बिल दिए जा रहे हैं। विशेष सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि मीटर रीडर जो है अपनी जो है रीडिंग लेके आए मोबाइल से, उनको सारी की सारी जो है रीडिंग को डिलीट कर दी गई किसी एक व्यक्ति ने, और डिलीट करके 500 जो है यूनिट जो है हर व्यक्ति के ऊपर जो है थोप दिए गए। इससे सरकार बदनाम हो और ये बेचारे परेशान हों, सारे लोग परेशान हों, आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपके जो विद्युत विभाग कर्मचारी हैं वो भाजपा के एजेंटगिरी कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है कि पूरी जो है भाजपा के एजेंट बन के बैठे हुए हैं ये लोग, वो भाजपा के एजेंटगिरी कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए इतने बिल दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे कमलनाथ जी ने ये कहा है कि 100 यूनिट पे 100 रुपये मात्र आएंगे, लेकिन ये जो है 100 यूनिट को काट के 500 यूनिट बड़ा बड़ा के हर प्रत्येक व्यक्ति के बिलों में दे रहे हैं। और जो एक जो जेई जो है आर्यन शर्मा, ये सारी करतूत उसकी द्वारा हुई है, और वो जो है यहाँ से छुट्टी लेकर भाग गया। भाई साहब, लाइट के बिल के लिए हो गया, काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। कितना आया था बिल आपका? का खबर, हम पढ़े ना लिखे। क्या दिक्कत क्या है? तुम इधर देखो, इधर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भाई हम 500 रुपए में 600 मिले, महीने के 500 भर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा काम हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या बता रहे हैं आप? जो कह रहा भरना भरना पड़ेगा। जा रहे हैं आप साहब के पास? कहाँ के साहब के पास? क्या लिख के दे दिया? क्या बिल है क्या आपका? कम कराने देंगे। अच्छा, हमारे बस की नहीं है, हम अकेले रहेंगे। तो दिखता नहीं है क्या आपको? नहीं दिखता। अच्छा, कहाँ रहते हैं? आपकी शक्ल नहीं दिख रही। चलिए, आज विद्युत मंडल में समस्या निवारण शिविर का जो आयोजन किया गया है, विगत 3-4 दिन पहले हमारे द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था कि सिरोंज विद्युत मंडल द्वारा बगैर रीडिंग के बिल 500 यूनिट से अधिक के बिल लोगों को थमा दिए गए हैं। 8-8-10 हज़ार रुपये के बिल, जो कि उन्हें 1500 रुपये के जिनके बिल आते थे, उन्हें 8-8-10 हज़ार रुपये के बिल दिए गए थे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उसके बाद जो एसी और डी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 25 तक जितना संभव हो पाएगा हम निराकरण करेंगे, और 25 को बृहद स्तर पर एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। उस शिविर के माध्यम से हम जो लोग शेष रह गए हैं उनका निराकरण करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है? क्या विभाग की लापरवाही है, सोशल साम साजिश है? निश्चित रूप से विभाग की लापरवाही है, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत हद तक अच्छे से इसमें सुधार हो पा रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे हितग्राही ऐसे देखने में आ रहे हैं कि जो अपने बिलों की शिकायत लेके आए, तो उनके आज आवेदन जमा किए जा रहे हैं, तत्काल निराकरण नहीं किया जा रहा। हम इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। और अगला क्या प्रयास रहेगा आपका? नहीं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि पहले जो फरवरी माह में जो बड़े हुए बिल उन्होंने दिए हैं, इनका किसी भी प्रकार से इनका निराकरण हो जाए, और भविष्य में इस प्रकार की ये लापरवाही ना हो, इसके लिए हम बड़े वरिष्ठ स्तर पर और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वो फेल होती नजर आ रही है? निश्चित रूप से बिजली की व्यवस्था के मामले में हम देखें तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सारे के सारे आम आदमी, गरीब, किसान सब परेशान है बिजली बिल को लेके। जो बिल 500 रुपये में आते थे, वो बिल आज 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के आ रहे हैं।
100 यूनिट तक बिजली देने का इन्होंने 100 रुपये में वादा किया था, लेकिन उस योजना का पालन भी विद्युत मंडल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सबके बिल बड़े हुए आ रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जेते जीतन जी बघेल, जिन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई और उसका आउटपुट भी निकला। यहाँ पर आज शिविर आयोजन किया गया है, उम्मीद है कि लोगों के निराकरण होंगे और लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन अतीक खान के साथ अब्दुल अलीम, भारत न्यूज़, सिरोंज।